वर्ष 1699 बैसाखी पर्व नैना देवी मेला परिसर। एक टीले पर खड़े गुरुजी तलवार उठाकर बोले, है कोई जो धर्म की रक्षा के लिए अपना सिर बलिदान कर सके। तेज गर्जना सुन सभी चौंक गए, सभा में जैसे सन्नाटा छा गया। गुरुजी फिर तेज आवाज में बोले, है कोई माइकालाल जो यहां आकर कहे कि यह लीजिए मेरा सिर हाजिर है, या धर्म के लिए बलिदान होने की मात्र बातें करते हैं आप लोग। इस बार भी कोई हिम्मत नहीं जुटा सका, कोई आवाज नहीं आई। एक बार फिर गुरुजी ने ललकारते हुए कहा, क्या एक भी व्यक्ति नहीं है जो अपने गुरु के प्रति श्रद्धा का प्रमाण दे सके। सभा में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ देर हल्के शोर के बाद एक व्यक्ति हाथ जोड़कर आगे बढ़ा और कहा, गुरुजी मैं अपना शीश आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, यह सदा से आपका ही रहा है। गुरु गोविंद सिंह उसे तुरंत तंबू के अंदर ले गए। थोड़ी ही देर में वे खून से सनी तलवार लेकर बाहर आए और फिर गरज कर बोले, और चाहिए। एक और शिष्य आगे आया, गुरुजी उसे भी अंदर ले गए। फिर खून की धारा बहती दिखी। इसी प्रकार गुरुजी एक के बाद एक कर पांच शिष्यों को तंबू के अंदर ले गए। कुछ लोग यह घटना देखकर डर गए। उन्हें लगने लगा कि गुरुजी का दिमाग बिगड़ गया है। वे माता गुजरी के पास दौड़े। कुछ ही देर में लोगों ने देखा कि गुरु महाराज उन पांच शिष्यों को पीला अंगरखा, पगड़ी, कमरबंद और तलवार धारण कराकर बाहर ले आए। वायुमंडल सत श्री अकाल के जय घोष से गूंज उठा। गुरु गोविंद सिंह ने अपने शिष्यों की निष्ठा की परीक्षा का यह अद्भुत तरीका अपनाया। गुरुजी ने अपने पंच वीरों को खालिस कहकर पुकारा, जे आरज तू खालिस होवे, हस हस शीश धर्म हित खाइवे। खालिस का अर्थ है पवित्र। पांचों खालिसों को दूध बताशा मिश्रित अमृत पान कराया गया। इन्हीं पंच प्यारों ने बाद में गुरु गोविंद सिंह को अमृत चखाया। राष्ट्र रक्षा के लिए गुरुजी ने ऐसे बहादुरों से आगे आने का आह्वान किया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में भारत माँ के बेटे जुट पड़े। सिंह की भांति सीना ताने युवा आगे आए और अमृत छक कर धर्म की रक्षा के लिए शीश बलिदान का संकल्प लिया और मुस्लिम शासकों के विरुद्ध बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया। गुरुजी ने ऐसे सिंहों के समूह का नाम रखा खालसा। जहां गुरु गोविंद सिंह ने राष्ट्र रक्षा के लिए शस्त्र से सुसज्जित खालसा पंथ की नींव रखी, वहीं धर्म की रक्षा के लिए अपने अन्य पांच शिष्यों को शास्त्र शिक्षा के लिए काशी भेजा, जो निर्मल अखाड़े के रूप में आज भी सक्रिय है। आज भी गुरुजी के शिष्य राष्ट्र रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए सतत खड़े दिखाई देते हैं।